Mark. आमीन। माशाल्लाह जी, दही जो है मुंगरियों में डाली जा रही है सहरी करने के लिए। अहमद भी अपने लिए दही को मुंगरी में डाल लिया। क्या मोहिउद्दीन भाई, वो कल तो उसका फरेमा भी है साथ में, मैंने कहा ये जे मुझसे भी दिला दो, एक फट्टा चाहिए और ऐसा एक सटूल चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा मोरिया का मसला है ना, मैं तले नहीं बैठ सकती। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो। फूलों की तरह उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफात फरमाए, जो बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। चलते इसी व्लॉग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह शायरी का टाइम हो चुका है, हम भी उठ चुके हैं, चलते हैं किचन में, देखते हैं शायरी बन रही है तो शायरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी शेयर करते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। इधर जो है सुल्तान बलोच ऑफिशियल, उठो, रोजे का टाइम ठीक है। मुखलिस भाई भी उठे हुए हैं, नसीम भाई भी उठे हुए हैं, माशाल्लाह। उठी बैठो भाई, उठाए सारे, वो तो सबको पता है, यक्के को तो उठाई फोन मार मार ते मजा दरवाजे खड़का इधर जी, एक बैग, दो बैग, तीन बैग इधर खड़ी है, और रिक्शा इधर खड़ा है, गाड़ी इधर खड़ी है। हम जा रहे हैं किचन की तरफ, तो चलते हैं इधर, देखते हैं सहरी बांध रही है कि नहीं बांध रही। माशाल्लाह जी, आटा भी गूंदा रखा था क्या? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो। फूल की तरह तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक है। अभी शहरी का टाइम हो चुका है तो मैं बना रही हूँ शहरी, तो अभी सब अभी हो चुकी है तो आटा गूंदा रखा है तो वो मैं बना रही हूँ। अभी कोई आटा गूंदना है तो सब आके बनाएगी तो मैं बाद में रोटी पकाऊँगी। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से बना लो, शहरी का टाइम हो चुका है तो मेहमान भी हैं और खुद रोज़ा रखने वाले भी काफ़ी हैं। हाँ जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह पेड़े भी बन चुके हैं और इधर सिलेंडर भी जल रहा है और इसके ऊपर रोटी भी लग चुकी है, पक रही है ना। माशाल्लाह जी, हाँ, आज मौसम बिल्कुल खराब था, रात झोड़ गजक रहा था तो हम सुन रहे थे तो पता नहीं, अभी अब जो दिन होगा तो पता चलेगा कैसा मौसम है। उधर तो बारिश बताई थी राती, अच्छा। बारिश आई थी उधर, इधर पता नहीं है कि नहीं है, जाना तो है। हाँ, घर तो जाना है तो बारिश बरसा, देखेंगे मौसम के हालात, नहीं तो सर्दियों को मौसम है। आगे एक दफा गर्मियों गए थे जब अलीपुर निकले, हाँ तो कपड़े तब्दील कराए थे, बच्चे सर्दी से कांप कांप के खुद जैसे बुखार आ जाता ऐसे हो गए थे, क्योंकि रास्ते में बारिश आ जाए तो कहाँ हम जाके ठहरेंगे। ऐसे कहीं से घर पे बनना भी मुश्किल बनती है, क्योंकि आपने करीबी तो नहीं आ रहा। हाँ जी, तो सफर में तो बात और होती है, क्योंकि गाड़ी बड़ी तो नहीं है जो बस करो। ये रोटी पक चुकी है, और डालो रोटियाँ, कच्ची नहीं है, पक गई है, इतनी ज्यादा साड़ो ना फिर। पुराने कमरों में पहुंच गए हैं, दही लेनी है रोज़ा रखने के लिए, सहरी करने के लिए। अभी जो ये ताले पर चाबी लगा रहा है, ताला तो खुल गया है, देखते हैं अंदर का मनाजर कैसा है। अंधारा है। चलो फ्रिज तो नज़र आ जाएगी ना। हाँ, अभी सोजला हो गया है। इधर छोटा सा ये एक शॉप बनी हुई है, छोटी सी शॉप। अभी जो है इधर में से ये दही है, ये दूध है चाय के लिए,
और ये है पतली सी दही। फ्रिज पतली नहीं चलाई थी अम्मी ने, ठंडक भी नहीं, ठंडी है ये तो। ये ज्यादा ठंडी होती तो ये जम जाती भी है, ये पतली भी पड़ी है। चलो ये उठाने थे बस। हाँ बस दो चीजें, एक आप उठा लो एक मैं। चलो जी इस गली में कोई नजर नहीं आ रहा और हमने चलना है इधर, तो माशाल्लाह इधर भी कोई भी नजर नहीं आ रहा। माशाल्लाह जी ये देखें ठंडी ठंडी फ्रिज की लगी हुई दही। चलें जी मेहमानों को जो है अपने मामू के लिए रोटी लेकर जा रहा है सहरी के लिए, दही और सालन के साथ। माशाल्लाह जी दही जो है मुंगरियों में डाली जा रही है सहरी करने के लिए। असद भाई भी आ चुके हैं और अहमद भी अपने लिए दही को मुंगरी में डाल लिया है। सबा एक तकलीफ कर दो, बल्कि आप खुद तकलीफ कर लो, ये हाथ बढ़ा के नमक तो दे दो। कितना सा? हाँ, थोड़ा सा हाथ बढ़ाना। पूरा डब्बा ये लो। बहुत शुक्रिया, एक प्राउड ऑफ यू। नमक भी कम खाया करो, लोग शुगर खाते हैं, आप नमक खाते हो यार, इसलिए तो शुगर के मरीज हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबको इस मूजी महफूज रखे। आमीन आमीन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दही खाता हूँ, बड़ी मजेदार होती है, नमकीन। हाँ जी सालन तो दे दो, मैं मांगता रहूँ हर चीज यार, खोती देख लो। दही खा रहे हो, एक चीज खाओ ना, ये सालन खाओ या दही खाओ। चलो ये दही ले लो, सालन दे दो बस। मट में ना पियो। बोटियां ये शोरा दे दो, खुदा का वादा, बोटियां शोरा नसीब हो जाए वो भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। बाकी बोटियां दे, उम्मीद ताए करूं। चलें जी। वालेकुम सलाम महियुद्दीन, आ गए हो? हाँ जी आ गया, वापस बैठे हैं, मैं इधर सलाम तो फिर मेरा गुजारा। सही है। चलें जी महियुद्दीन को दही दे दो, उसने भी शायरी करनी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये अहमद के साथ बैठ गया हूं, ये तुम्हारे भाई बच्चे नहीं होने वाले, क्योंकि हमारी आज प्यारी है ना, यहाँ की लास्ट हमारी जो है ना सहरी है ना आखिरी, इसीलिए जो हम जल्दी उठे हैं। अभी मतलब आधी इधर करोगे आधी उधर करोगे, अफ्तारी घर करेंगे सहरी इधर करेंगे। अभी मतलब ये खाना वगैरह खाने के बाद आप रवाना हो जाएंगे? थोड़ा दिन हो जाएगा तो जाएंगे, बाइक पर जाना है ना। दिन तो वैसे जो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अब्बू जान जो है ना वो भी उठ गए हैं। हौले हौले उठ रहे थे, अब उठ गए हैं। थोड़े थोड़े उठे थे ना, अब पूरे उठ चुके हैं। अम्मी जान थोड़ा सा इधर आ जाए। इधर जो है सुल्तान बलोच भी आ चुके हैं सहरी करने के लिए, और सब्बा भी आज सहरी कर रही हो। हाँ जी। ओ बुशरा उठ गई हो? आज सहरी करने आ गई हो? चाय भी तैयार हो रही है। इधर जो है चाय पाई जा रही है प्यालियों में, और इधर जो है अहमद सहरी कर लिया, अब चाय पी रहा है माशाल्लाह। तो जी माशाल्लाह अबू और अम्मी आ चुके हैं, तो अबू जान आपको माशाल्लाह 15 रोजे आज सहरी की है, बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक जो है ना अपने बार में कबूलो मंजूर फरमाए, और आपको भी मुबारक हो, और सबा आपको भी मुबारक हो। ठीक है जी, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि हमें अल्लाह पाक ने ये नेक महीना जो है हमारे नसीब में किया है, रहमतों वाला बरकतों वाला। कि अगला देखें, अगला जो माह रमजान आना है, जिंदगी का कोई पता नहीं कि हमने होना है या नहीं। तो अभी अबू जान से दुआ करवाते हैं, जैसा कि आपको पता है उम्र पर जाने की हमारी तैयारी है, तो
देखिए वो कहते हैं ना, पैसे वाले लोग भी आज तक उम्रे पर नहीं जा सके, और कोई गरीब से गरीब भी मजदूरी करने वाला वो माशाल्लाह दो दफा तीन दफा बल्कि 10 बार जो है वो मदीना पाक देख के आया है। तो हम दुआ करवाते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना वो हमें रोजा रसूल दिखाए, मदीना पाक दिखाए। तो अबू जी दुआ करें कि जैसा कि आपको पता है, अभी मैं बता दूं कि हम उम्रे पर कब जा रहे हैं। हम उम्रे पर जा रहे हैं जी, ये अभी ईद आएगी, ईद करेंगे, उसके बाद फिर 1.5-2 महीने होते हैं, फिर ईद उल अजहा ये आगे कुर्बानी वाली ईद है, कुर्बानी वाली ईद के फौरन बाद जो है इंशाल्लाह हम उम्रे पर चले जाएंगे। हाँ जी, तो अभी अबू जी दुआ कर दें इंशाल्लाह ताला, तो हम उम्रे पर जाएं। अल्लाह तमाम दोस्तों बहनों को रौजा पाक दी ज़रत नसीब फरमाए, आमीन। मक्का मुअज्जमा दी ज़रत नसीब फरमाए, आमीन आमीन। मेरा अल्लाह तुम्हारा भी खैर, अल्लाह तुम्हारा भी बरकत, आमीन आमीन। मेरा अल्लाह हम तो मेरा अल्लाह जो बे औलाद ने बनी ना औलाद का फरमाए, आमीन। बदली लाइ बाल सबके हाथ में, जी बहुत खुशी हुई, अबू जान ने दुआ करवाई है, अल्लाह पाक ये हमारी दुआ भी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाया। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद नरीना अता फरमाया, अल्लाह पाक बेटे दे बेटियां दे घर में खुशियां दे, और अल्लाह पाक सबको मदीने पाक की ज्यादा नसीब फरमाए। तो हमने सबके लिए दुआ की है, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और आप सबको फिर से 15वां रोजा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो जिसने सहरी कर ली है, और शाम को इफ्तारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सहरी कर ली है, अभी अजाने का टाइम होने वाला है, अभी जो है अजाने होंगी फिर जाएंगे नमाज अदा करेंगे, नमाज अदा करके फिर जो है आज हमारी तैयारी है घर जाने की। तो आपने खाना सब पका लिया ना बच्चों के लिए? चलो जी खाना पका लिया, इनको खिलाओ, फिर जो है 1 घंटे बाद हम रवाना होंगे, जो ही सुबह होगी ना फिर अपनी बाइक निकाल लेंगे सफर की तरफ। हाँ बुशरा, कंघा कर लिया, अब घर चलते हैं। हाँ? ऊपर चढ़ रही थी, फिर चलें घर। चलो आ जाओ, खाना खाना है, आ जाओ खाना खाना है, नहीं खाना इधर उतर जुलू मोटरसाइकिल पे। हाँ बिचरा, सुमैया आपने भी तैयारी कर ली है? हाँ जी। अब खाना खा रही हो? हाँ जी। खाना खा के चलेंगे घर? हाँ जी। चलें, किस चीज के साथ खा रही हो? चिकन के साथ? बकरे का गोश्त, वो बकरे वाला गोश्त। हाँ जी। चलो खा लो, और बुशरा भी आ गई है, बुशरा नहीं करती खाना, घर के बाद है ना नाश्ता, ना फिर रात दिन के बाद घर चलना। चलो सही है, तैयारी कर ले। अयूब खान खाना खाता है? रोटी खाओगे अयूब? नहीं खानी? चलो जी, इसने नहीं खानी। और बुशरा सुमैया खा रही है? सुमैया रोटी खा रही है, बुशरा चाय पी रही है, देखो नमक के साथ चाय पी रही है। अच्छा जी, ये जी बुशरा को देखो, बुशरा जो है प्याले में चाय डालकर चम्मच के साथ बैठ जाओ। बुशरा इधर, कपड़े तो ना भी, कपड़े खराब हो जाएंगे, बैठ जाओ इधर, बिठा दो इसे। क्यों जुड़ू? बस इसका झगड़ा है सारा जन। अच्छा कुछ ना कुछ जैसे पीते है, पीने दो इसे। हाँ तो चलो देखते हैं। क्या मोहिउद्दीन भाई, वो कल मशीन ले आया है जी? हाँ। तो उसका फरेमा भी है साथ में, जिसके ऊपर मशीन रखती है, फट्टे पले हो फ्रेम तले होती है, तो वो मैं देखी थी, तो मैंने कहा ये जी मुझसे भी दिला दो फ्रेम। ये किसी के गिफ्ट है रखे है ना, ये है गिफ्ट, ये है सटोल। हाँ जी।
सही है ना, ऊपर बैठ के कपड़े सिलाई करते हैं। और ये मशीन है, और ये जो है फट्टा जहाँ पर मशीन जो है इसके ऊपर फिट होती है, ये हाँ वाली जी, हाँ जी। ये वाली मशीन जो है ना, ये वाली हाँ जी। ये इसके ऊपर फिट होती है। आपको ऐसा एक फट्टा चाहिए और ऐसा एक स्टूल चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा मोरिया का मसला है ना, मैं तले नहीं बैठ सकती। अगर आज हमारे पास पैसे होते तो हम तो घर जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि महीउद्दीन ने वहाँ इनका काम है, आना तो है। हाँ। कह रहा था मैं आऊँगा वहाँ गंदम के मौसम, यानी हफ्ता दस दिन बाद हाँ आएगा। तो अगर जो फुर्सत होती तो इधर से ले के उस इधर छोड़ के चले जाते, फिर वो लेकर आ जाता। हाँ, लेकिन फुर्सत नहीं है, आज तो जा रहे हैं। आज तो जा रहे हैं, सफर की बात है, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना। हाँ। तो बच्चे हैं, पेट्रोल भी महंगा है। चलो महीउद्दीन से फोन से रब्ता करेंगे, जब ये आएगा हाँ। तो पैसे की फुर्सत कर लेंगे, इनको फोन करेंगे हाँ। तो ये लेकर आ जाएगा हाँ। इंशाल्लाह ये हमको बहुत जरूरी है ना, मैं ये भी लेना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा तो फिर लूंगी। सही है हाँ, तो हमारे शहर में नहीं, ये नहीं मिलती। हाँ, तो ऐसे मैं देखा था। हाँ, मशीन तो आपने ले लिया ना? मशीन हमारी न्यू है, बस में मुझसे ये स्टूल ते फ्रेम चाहिए बस। हाँ, बैठने के लिए जो हाँ, कपड़े सिलाई अच्छे होते हैं, बैठ के सुकून से कपड़े सिलाई करते हैं, क्योंकि तले बैठने ते कंधों में वजन पड़ता है। नीचे देख देख के ऐसे बराबर बंदा बैठा होता है स्टूल हाँ, पर और मशीन जो है बराबर रखी होती है, फिर कोई थकावट नहीं होती। हाँ, वो आसानी से कपड़े सिलाई होते हैं ना। चले अल्लाह पाक खैर करेगा। चले, बच्चों की तैयारी हो चुकी है? नहीं हुई, खाना खा लिया तो फिर चलते हैं। बच्चों की तैयारी हो चुकी है। अयूब खान ने तो नहीं नाश्ता किया ना? हाँ, इसको भूख नहीं लगी है ना? हाँ जी। चलो, आप ये कहता है हम बोतल पियेंगे बस। बोतल कहाँ से लाए? नाश्ता नहीं करेंगे। वो अहमदीन जो है वो चला गया उधर रहीम यार खान गाड़ी पे, तो हम बाद में उठे है ना, तो नहीं तो बोतल पिलाते आपको। अभी सब कोई बात नहीं। सब्बा जो है अभी सो रही है ना हाँ। तो हम तैयारी कर रहे हैं, हसन को सुलाते हुए आपको ले जा रहे हैं। उठ जाएगी या हम हाँ। तो चले जाएंगे, क्या हुआ? हम जाते हैं क्योंकि वो कपड़े थोड़े से बच्चों के वो इकट्ठे कर लो, वो कपड़े उठा लिए थे सुमैया वाले हाँ, वो अच्छा वो गिले हैं, उनको भी उठा के रख दो शापर में पहन के ना भाई, एक साइड पे रख दो, घर जाके धो के फिर उनको सूखना हाँ, डाल देना। सूखे भी नहीं, नहीं सूखे हाँ, वो कल कसी में वाटर में गिर गई नाली में। हाँ हाँ, कल वाटर में गिर गई सुमैया तो ये ढीले है ना। ये देखें जी, हमारा बैग में कपड़े आज जो हम डाल रहे हैं, आज पक्का पक्का हम जा रहे हैं। कल जो थी थोड़ी मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, दूसरा गर्मी ज्यादा थी, मुझको रोज़ा था, मैंने कहा सफ़र नहीं होगा। आज माशाल्लाह सुबह सुबह हमने तैयारी कर ली है और मौसम भी बिल्कुल ठंडा ठंडा है, ठंडे टाइम को जो है हम रवाना हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है कि हमारा सफ़र जो है अच्छा गुजरे और अच्छे से हम घर पहुंच जाएं। हाँ, तो बच्चे हैं हाँ, वो तो साथ में आए, हर किसी को पता है, देख लिया उन्होंने। सफ़र की बात है, बहुत तंगी में सफ़र गुजरता है, क्या करें, फिर छोटी गाड़ी है ना, इसीलिए मोटरसाइकिल पर 180 किलोमीटर है हाँ। 4-5 घंटे लगते हैं हमें, तो डर बहुत लगता है क्योंकि वो पीछे वाला टायर टूब फटे वाला है हाँ, वो भी खत्म है टायर टूब हाँ, फिर सुकून सुकून से जाना पड़ता है हाँ। क्योंकि टायर टूब न्यू होते तो कोई बना तेजी से जाता है हाँ, क्योंकि वो खतरा भी नहीं होता हाँ, खतरा भी होता है और जाते हैं, खतरा भी होता है क्योंकि पंचर ना हो जाए कहीं पे, वसीला ना हो, फिर पैदल चलना भी मुश्किल है क्योंकि रोजा है ना, तो इसीलिए तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह कहीं से इंशाल्लाह अल्लाह पाक सिला बना देगा, तो इंशाल्लाह आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हमारे देखने वाले दुआ करनी है क्योंकि हमारा सफर आसानी से हो जाए, हम खैर खुशी नाल घर पहुंच जाए हाँ जी। चलें जल्दी कपड़े पैक कर लें। बुशरा को देखो चाय पी के उबत्ते कर रही है मेरे ख्याल में, सुबह सुबह चाय पी है ना, खाना नहीं खाया। बुशरा आपने चाय पी ली है? चलें घर, फातिमा के पास चलें हाँ जी, महबूब फातिमा, इसका तो झगड़ा है, तीसरा दिन है हाँ, क्या हाँ, कहती है फातिमा के पास जाऊं, फातिमा के पास जाऊं। अच्छा हाँ, वो
अकरम भाई वाली हाजरा नहीं आती तो उसको देख कर भाग जाती है उधर। चले आ जाए, चलो चेंदू हो बैग पर अरे बाइक बाइक ऊपर टांग दे मोटरसाइकिल पर फिर चलेंगे आ जाओ आप उठाओ चलो मुझे तो बाइक माँ उधर टांग देता हूँ बाइक आगे पैदान के ऊपर अयुब नीचे उतरो।